तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप गर्मी में जो इंडोर प्लांट्स हैं परमानेंट, वो कौन से प्लांट्स लगा सकते हो तो और कौन कौन से प्लांट्स हैं जो परमानेंट आप इंडोर लगा सकते हो। तो आज हम बात करेंगे उन प्लांट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी, ताकि हम आपको आने वाली और वीडियो और प्लांट्स के बारे में और केयर के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारी वीडियो देख सके। तो आगे देख सकते हो कि हमारे पास जो एरिका पाम का जो प्लांट्स है इसको आप इंडोर लगा सकते हो। यह भी एक परमानेंट प्लांट है, इसको 12 इंच के पॉट में लगा रहे हैं। अगर आपने इंडोर लगाने हैं तभी आप प्लास्टिक का जो पॉट है उसको यूज करिए। अगर आपने आउटडोर लगाने हैं तो आप सीमेंट और मिट्टी के पॉट में लगा सकते हो। तो हमने एरिका पाम के जो प्लांट्स हैं उनकी सिलेक्शन करी है, वो लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्लांट्स हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्लांट है। ये भी बहुत ही अच्छा और बेस्ट प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ज़्यादा पानी लगाओगे तो प्लास्टिक का जो पॉट है पानी ज़्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आगे हम इसमें लगाने वाले हैं जो देख सकते हो रबड़ प्लांट। तो ये काफ़ी अच्छा प्लांट्स है, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इसको भी अभी हम देख सकते हो कि इसकी जो गाची है जो बिल्कुल सही है, कहीं से मिट्टी इनकी वो गिरी नहीं है। अगर आप इसको निकालते समय मिट्टी गिरा दोगे थैली से, नर्सरी से लेकर आते हो जो पॉलीथीन से, आप उसकी मिट्टी गिरा दोगे तो आपका प्लांट से एक बार मुरझा जाएगा। अगर नहीं गिराने दोगे तो आपका प्लांट इसी तरह चल पड़ेगा, कोई मुरझाएगा नहीं। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो उसकी जो गाची है उसको अपने पॉट के अंदर ज़्यादा नीचे नहीं दबाना और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना, बिल्कुल बीच मार के ही रखना है, सेंटर में ही रखना है। अगर ज़्यादा दबा दोगे तभी नहीं अच्छा प्लांट्स होगा, अगर ऊपर रखोगे तभी प्लांट्स आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने उसी हिसाब से रखना है कि आपकी जो इसके साथ जो गाची होती है, मिट्टी होती है, वो बिल्कुल नीचे रह जाएगी। तो आपने इन प्लांट का खास ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का बातों का ध्यान रखोगे तभी आपका प्लांट अच्छा खासा हो जाएगा। तो बिल्कुल सेंटर में और आपने बिल्कुल सीधा लगाना है। तो आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे पास बंगलोरी क्रोटन है, पेट्रा क्रोटन, तो इसको भी हम इसी में लगाने वाले हैं। यही बहुत ही अच्छा और प्यारा इंडोर प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हो, यही परमानेंट ही प्लांट है। तो जैसे हम अब निकाल रहे हैं जो हमारे पास डम्मी पॉट होते हैं उनमें से हमने एरोकोरिया का प्लांट्स है वो निकाला है, इसी तरह अपने प्यार से निकालना है। अगर ये मिट्टी आप उखाड़ दोगे प्लांट्स की तो आपका यह प्लांट्स एक बार लगाने के बाद एक बार जरूर मुरझा जाएगा। अगर प्यार से इसी तरह उतार लोगे तो आपका यह प्लांट्स अच्छा खासा चल पाएगा, जैसे हमने एरोकोरिया के से आप देख सकते हो निकाला हुआ है। तो आपने इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो एक बात का आपने और खास ध्यान रखना है, जो आपका पॉट है उसके नीचे सुराख होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके ऊपर जैसे आप सुराख है ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके आपको डिक्री वगैरह कुछ भी रख सकते हो, फिर बाद में मिट्टी से उनको आप अपने प्लांट्स को लगा सकते हो। अब प्लांट्स फिर ही आपके अच्छे लगेंगे आपकी ग्रोथ। अगर आप अपने पॉट के नीचे ये अपना जो होल है वो नहीं करोगे तो आपका प्लांट्स बिल्कुल सही नहीं चलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप देख सकते हो कि हमने जो हमारे 4 पॉट है वो अच्छे से तैयार किए हैं, आप भी अपने घर के अंदर ये पॉट लगा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, ताकि हम आपको आने वाले